क्लास टेंथ मैथमेटिक्स 8.5 का क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, दोनों मेथड से हमें सॉल्व करना, मुझे कमेंट करके बताना बेटा आपको कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा आसान लगता है और क्यों लगता है। ठीक है, मैं देखता हूँ किस किसका जवाब आता है सबसे पहले। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, हम जानते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो हम लेते हैं एक इक्वेशन फ्रॉम सेकंड। ठीक, यह है इक्वेशन 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। तो हमने क्या किया बेटा, x की वैल्यू निकालना चाहते हैं। x की या वैल्यू की किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। प्लस का 2y है, इधर आके माइनस का 2y हो गया, और इस तरफ 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमें x की वैल्यू मिल गई किस इक्वेशन, सेकंड से। हमने सेकंड से निकाला तो हमें कहाँ रखना पड़ेगा, फर्स्ट में। अगर हम फर्स्ट से निकालते हैं, हम सेकंड में रखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर, हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। ठीक है, पहले में रखने पे हमें क्या मिलेगा, देखो जो पहला इक्वेशन उसे हम एक बार लिख लेते हैं, जो कि है 8x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, x की वैल्यू हम रख रहे हैं, x की वैल्यू है 4 माइनस के 2y अपॉन में 3, और यहाँ है 5y, इधर है 9। ठीक, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, तो 1 LCM आ जाएगा हमारा, 3 1 3। ठीक, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी। तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 8 ही रहेगा, और 2y, और 3 5 15y। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आगे सॉल्व करते हैं। सो 8 6 32, 8 2 16y, और यहाँ पर है 15y, बट्टे में है 3, इधर है 9। 32 16 15, तो माइनस के वाई बचेगा, बट्टे में 3, इधर 9। तिरछा कर देंगे, 32 वाई को जब 1 से गुणा करेंगे वही रहेगा, 9 3 27। संख्याओं को एक तरफ रखते हैं, प्लस का 27 इधर के माइनस, माइनस का वाई का प्लस, तो जो वाई का मान आ जाएगा बेटा वो कितना जाएगा, 5। ठीक, अब वाई के मान को उठाएंगे और यहाँ नंबर 3 में रख देंगे, चूंकि x बराबर क्या है मेरे पास, 4 माइनस के 2y बट्टे में 3। तो 2y का मान है 5 बट्टे में 3, 5 2 10 बट्टे में 3, है कि नहीं, सही किया। कैलकुलेशन एक बार रीचेक ज़रूर कर लेना, कहीं हमसे गड़बड़ या मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 6 माइनस का बट्टे में 3, 3 2 6, x का मान आ गया माइनस के 2। ये मेथड हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन। अब मेथड तुम कोई से भी लगाओ, आंसर सेम रहता है। ठीक है, x का मान माइनस के 2 आया, y का मान 5 आया है वैल्यू। ठीक, अब हम करेंगे इस क्वेश्चन को किस मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। इसे आपने उतार लिया होगा, अब हम आ जाते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में ये जो इक्वेशन है बेटा, इसको ढंग से लिखेंगे, 8x प्लस के 5y, और ये प्लस के 9 इधर आगे माइनस का 9 हो जाएगा, और यह 3x है प्लस के 2y प्लस के 4 इधर आगे माइनस का 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। ठीक, हमें क्या करना होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में, हमें यहाँ लिखना होता है x, यहाँ लिखना होता है y, और यहाँ लिखना होता है 1। ठीक, कोफिशिएंट डालो, 8 5 माइनस के 9, 3 2 माइनस के 4। ठीक है बेटा, अब हमें यहाँ क्या लिखना है बेटा, x बट्टा y बट्टा और 1 के बट्टा। एक्स के लिए जब करेंगे तो एक्स को छुपा देते हैं बेटा,
इसके गुणा इसके साथ होगी, है ना, 5 गुणा माइनस के 4, गुणा खत्म माइनस लग गया, और इसके गुणा इसके साथ पहले होगी, बाद माइनस के 9 गुणे में 2, ठीक हो गया। अब गुणा हो गया तो बेटा मैं इसको मिटा देता हूँ, नहीं तो हौच पोच हो जाएगा, इसको मैंने मिटा दिया। अब वाई के लिए नियम उल्टा है, ठीक है, वाई के लिए नियम उल्टा है। वाई के में क्या होगा ना बेटा, वाई को छुपाने के बाद इसकी गुणा इससे पहले होगी और फिर माइनस में इसकी गुणा इससे होगी, तो माइनस 9 गुणा 3 और फिर लग जाएगा 8 गुणा माइनस के 4, ठीक, ये चीज़ आ गई। वाई वाला भी हो गया, तो वाई वाले को भी मिटा दो यार, तो ये मिटा देते हैं, ठीक। अब 1 के लिए जो 1 को छुपा दो, 1 में जैसे एक्स में नियम था वही था, 8 के गुणा 2 से होगी, माइनस 5 के गुणा 3 से होगी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सरल कर लो, 5 चौके 20 माइनस का 9 दुनिया 18 माइनस माइनस प्लस, 9 3 27, 4 8 32 माइनस का, तो ये प्लस का हो जाएगा, 8 2 16, 5 3 15, ठीक है, कैलकुलेशन एकदम सटीक। एक्स के बट्टे में आ जाएगा माइनस के 2, वाई के बट्टे में आ जाएगा 5 और 1 के बट्टे में आ गया 1। आपको पता है बेटा, एक बार इसको इसको बराबर लेना होता है और एक बार इसको इसको, बराबर का मतलब इक्वल है ना, हिंदी में बराबर बोलते हैं। व्हेन एक्स माइनस 2 अपॉन 1 अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स बन जा एक्स, माइनस 2 बन जा माइनस के 2, तो देखो बेटा एक्स की वैल्यू आ गई माइनस के 2, पिछले वाले मेथड में भी यही था। अगेन अगेन क्या लिखोगे बेटा, वाई अपॉन 5 की वैल्यू ले लोगे 1 अपॉन 1 की, वाई बन जा 1, 5 बन जा 5, तो दोनों मेथड में आंसर हमारा बिल्कुल सेम है। बाकी सभी क्वेश्चन मैंने कहा रखे हैं, जिसके लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे, और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो नेक्स्ट कौन सी चाहिए।